बीजेपी तो उसी के लिए लगल था कि 15 साल से नीतीश कुमार अपना चिंता करने वाले आदमी को रखे हुए हैं अपने पास, तो सबको लगता है कि हटना चाहिए, तब लोग हटा रहा है, दबाव देकर हटा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभि आपके साथ। आज नए साल का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम जो राजनेता हैं बिहार के, वो भी अपने अपने अलग अंदाज में जनता को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। खास करके अगर हम लालू फैमिली की बात करें तो राबड़ी आवास पर आज खास चहलकदमी देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि आज नया साल तो है ही और साथ ही साथ राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है। ऐसे में लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव वहां पर पहुंचे, राबड़ी आवास पहुंचकर उन्होंने अपनी मां को बधाई दी और साथ ही साथ नए साल की शुभकामना भी दी। इसके अलावा अगर हम लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव की बात करें तो आज सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में मैथिली भाषा का प्रयोग करते हुए बिहार की जनता को संबोधित किया है, उन्हें शुभकामना दी है और इसके साथ साथ सुबह सुबह राबड़ी देवी ने भी जनता को आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में ये कह दिया कि इस बार जो नीतीश कुमार की सरकार है वो कमज़ोर है, दोनों का गठबंधन भी कमज़ोर है, आने वाले कुछ समय में बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए ये कहा कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, इसलिए लगातार हम डॉक्टर्स के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हर दिन हम डॉक्टर्स से बात करते हैं और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और क्या कुछ कह रही हैं राबड़ी देवी, आप खुद सुन लीजिए। नीतीश कुमार का चलता था बीजेपी थोड़ी चढ़ता ऊपर, उनका बीजेपी उनका ऊपर चढ़ा हुआ तो कमजोर पड़ गए, अब करे तो क्या करे, पहले ही सोच समझ कर उनको उठ लाना चाहिए था कि अभी हमारा साथ घात हो गया, तो घात हो रहा है। अधिकारी बदल दिए गए सर? अधिकारी बदल रहा है, उनका मन से नहीं हो रहा है, अधिकारी लोग का परमिशन हुआ है, बदली हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, बाकी उनका मन लायक नहीं है, नीतीश के मन लायक नहीं हो रहा है, दबाव में हो रहा है। सर बीजेपी के मन से हो रहा है? बीजेपी के मन से, बीजेपी दबाव दे रहा है नीतीश कुमार के। बीजेपी के MLC सवाल उठाए तो उसके बाद गृह सचिव को बतला गया, आमिर सुबहानी 13 साल में पहली बार उनका तबादला हुआ, सुबहानी भी बदल दिए गए। बीजेपी तो उसी के लिए लगल था कि 15 साल से नीतीश कुमार अपना चिंता करने वाले आदमी को रखे हुए हैं अपने पास, तो सबको लगता है कि हटना चाहिए, तब लोग हटा रहा है, दबाव देकर हटा रहा है बीजेपी। ठीक है, साहब के स्वास्थ्य को लेकर मैडम बातचीत हुई है? स्वास्थ्य के लिए ठीक है, डॉक्टर लोग से बात हुआ है, आज भी डॉक्टर से बात हुआ है, डॉक्टर लोग इलाज कर रहा है, परहेज कर रहे हैं। साहब को लेके बीजेपी झारखंड में सवाल उठाते रहती है, उनको बंगला में रखा गया है, लोग वहाँ मिलते हैं, RJD का दफ्तर बना दिया गया है, बंगला में सरकार रखा है, और बंगला से तो सरकार हटा दिया, पेइंग वार्ड में, बंगला से तो सरकार हटा दिया, रिंग हॉस्पिटल में चले गए बीजेपी के लोग, पहुँचाया बीजेपी को लोग। और सरकार जो करता है सरकार के जवाबदेही है, आम पब्लिक के जवाबदेही नहीं है। ठीक है, सरकार के यहाँ JDU के लोग सवाल उठाते रहते हैं, JDU के पास कोई सवाल नहीं है, गरीब को सवाल उठाना चाहिए, तो लालू पलवार पर लोग भी रहा हुआ है, तो लालू पलवार पर भी क्या करे, बिहार देश के जनता हमारा साथ है, बिहार के जनता साथ।